हेलो। हीरो मान सो गया? अरे नहीं यार, टेंशन में नींद नहीं आ रही है। कौन राज? सिर्फ दो फोन में तेरी नींद उड़ गई है? रमन, अब तुझे एहसास हुआ कि एक्सटॉर्शन का एक फोन आने से कैसे नींद उड़ जाती है? जिन लोगों का खून बहाकर तूने पैसा जमा किया है, तुझे तो वही देने में तकलीफ हो रही है। कभी उनके बारे में सोचा है जो अपनी मेहनत की कमाई तुझे एक्सटॉर्शन में दे देते हैं? रमन, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरा एक काम कर दे, मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। हाँ बोल, काम बोल। एक आदमी को गोली मारना है। नाम और पता बोल, फुल लोडेड है, अभी जाके उसको ठोक देता हूँ। लिख। हाँ लिख। आले ए कागज और पेन ले, लिख। मैं? नहीं नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं लिख, तू बोल। विठल भाई रोड। हाँ विठल भाई रोड, लिख। भाऊजी कंपाउंड। भाऊजी कंपाउंड, करेक्ट। भाऊजी कंपाउंड लिख। मकान नंबर 18। मकान नंबर 18, मकान नंबर 18 लिखना। ए मुंह क्या देख रही, लिखना। क्या लिखूं, ये अपने घर का एड्रेस। हाँ तो ए कह रहे मेरे को मेरा ही पता लिख रहा है क्या तू? अरे लेकिन ये तो तेरे ही धंधे का वसूल है ना, कि जो एक्सटॉर्शन के पैसे नहीं देता है तो उसे गोली मार देता है। और जो ज्यादा तकलीफ देता है ना उसको भी गोली मार देते हैं। अब ये तेरे बस की बात नहीं है, तू सिर्फ पैसा जमा करने की सोच। आज का 1 करोड़ और बढ़ गया, टोटल 7 करोड़। तुझे क्या लगता है तू ये पैसा लेकर ऐश करेगा, मुजरा देखेगा, बियर बार में नोट उड़ाएगा और हम तुझे छोड़ देंगे? सुन, ना तो मेरा बाप यूरोपन था और ना ही मेरी माँ बैंडेड क्वीन थी। मैंने खुद लोगों का काम बजाकर नाम कमाया है, लोगों में डर पैदा किया है। ऐसे ही पूरा शहर नहीं कांपता मेरे नाम से। अगर ऐसी बात है तो कल से कोई भी नहीं कांपेगा रमन। बाय। सुनिए। अरे यार भाई, वो सोनालाल ज्वेलर ने मुंबई में नया शोरूम खोला है। तो तुम लोग अभी यहाँ बैठकर क्या गन्ने चूस रहे थे क्या? चलो लगाओ फोन। हेलो। हेलो सोनालाल, मैं रमन भाई बोल रहा हूँ। हाँ रमन बोल। लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड डॉन रमन भाई बोल रहा हूँ। पता है, बोल फोन किस लिए क्या? अरे तूने नया शोरूम खोला है ना, तो इसके लिए 50 लाख रुपए दे दे। क्यों दे दूं? तूने अपना पैसा मेरे पास रखवाया था या मुझे उधार दिया था? मरना है क्या तेरे को? आओ क्या दुकान पे? आ जा आ जा, 12 से 4 के बीच में कभी भी आ जा, मैं दुकान पर ही होता हूँ। ए तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे मेरी छोड़, पहले उन तीनों छोकरों को तो पकड़ जिन्होंने तेरी पिटाई की, तेरे सामने तेरी बहन को ले गया और तुझे पैदल घर भेजा। तेरे को कैसे मालूम? अरे मुझे तो क्या, सारे शहर को पता चल गया है। जरा टीवी ऑन करके तो देख, हर चैनल पे तेरा प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। और आज की सबसे सनसनीखेज खबर, रमन भाई की पिटाई। पिछले शनिवार को कुछ लड़कों ने अंडरवर्ल्ड डॉन रमन भाई की छोटी बहन को किडनैप करके फिरौती का काम करने वाले रमन भाई से फिरौती की मांग की, और फिरौती देने गए रमन भाई की दादागिरी पर उनमें से एक नौजवान ने रमन भाई की जमकर पिटाई की। इस पिटाई का एक वीडियो कैसेट हमें प्राप्त हुआ है जो हम आप दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। भाई आज तक चैनल पर भी आप हैं। जी पर भी आप हैं भाई। भाई सहारा पे भी आ रहा है। भाई आपने तो बताया था एक्सीडेंट हुआ है, ये नहीं बताया कि लड़के लोगों ने ठोका। बड़े बड़े एक्टर लोगों का डुप्लीकेट हो सकता है तो रमन भाई का नहीं हो सकता है क्या? तू टेबल कर रहा, तू मेरे नजरों से दूर हो जा। चल चल, सब लोग जाओ। हाँ, सब लोग जाओ। हाँ, भाई आपका फोन बज रहा है। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं, इतने इजीली थोड़ी फोन उठाऊंगा। हेलो। क्यों भाई रमन, फोन उठाने में इतनी देर कर दी? टीवी देख रहा था, कैसा लगा अपना शो? तेरे डर से कांपने वाला शहर आज मिठाई बांट रहा है। मैंने तुझे पहले दिन ही समझा दिया था रमन, कि तुम लोग करके सोचते हो और हम सोच के करते हैं।